टाइगर जी हाँ, जो कि भोजपुरी के एक उम्दा कलाकार माने जाते हैं। बतासा चाचा के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही खबरों से दूर रहती है। जी हाँ, पर्सनल लाइफ को मीडिया तक आने नहीं देते हैं, लेकिन गाहे बगाहे फेसबुक और इंस्टा पे ये अपने परिवार के कुछ सदस्यों की फ़ोटो ज़रूर अपलोड कर देते हैं। वैसे मनोज टाइगर इतने फेमस है भोजपुरी इंडस्ट्री में बतासा चाचा के नाम पर कि फिल्में कई बार तो इनके नाम से ही चल जाती हैं। वैसे आपको याद होगा कि हाल ही में बतासा चाचा करके एक फिल्म आई थी, जिसमें इनकी हीरोइन थी आम्रपाली दुबे। जी हाँ, आप चौंक गए होंगे, लेकिन आम्रपाली दुबे इसमें एज ए इनकी लीडिंग लेडी थी। खैर, आगे हम इनके किस्से और भी आपको बताएंगे। उसके पहले आपको बता दें कि इनके घर में इनका भरा पूरा परिवार है। वैसे तो बतासा चाचा भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी के फेवरेट हैं, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ से इनकी कुछ ज़्यादा ही जमती है। दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में ये कहते हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को देखते ही ये समझ गए थे कि ये आगे चलकर भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सितारा बनने वाला है, और उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया था निरहुआ ने बिल्कुल वैसा ही साबित किया। खैर, हम फिर से वापस आते हैं तो आपको बता दें कि इन दिनों बतासा चाचा अपने गांव में हैं और वहीं पर शूटिंग कर रहे हैं प्रवेश लाल यादव के साथ। इन सब चीज़ों की जानकारी लगातार सोशल मीडिया पर वो अपडेट भी करते रहते हैं। खुद प्रवेश लाल यादव ने तो इनके साथ अपनी कई पिक्चर्स शेयर भी की हैं सोशल मीडिया पर, और आपको बता दें कि ये दोनों का साधु वाला गेटअप बहुत ही फेमस हुआ है। खैर, अब वापस आते हैं इनकी पर्सनल लाइफ में। तो आपको बता दें कि इनकी पत्नी की फ़ोटोज़ बहुत कम ही आप मीडिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह निरहुआ की पत्नी की फ़ोटोज़ बड़ी ही कम देखने को मिलती है भोजपुरी इंडस्ट्री में, वैसे ही बतासा चाचा के पत्नी की फ़ोटो बहुत ही कम, इवन इनकी बेटी की भी फ़ोटो बहुत ही कम देखने को मिलेगी। ज़्यादातर आप इनके फेसबुक पर या फिर इंस्टा पर देख सकते हैं। इंस्टा पर तो बहुत ही रेयर, लेकिन फेसबुक पर आप देख सकते हैं। और अपनी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं। तो क्या सोचते हैं आप इनके बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके